दिल्ली में हुए निर्भया कांड के आज 7 साल पूरे हो चुके हैं। 16 दिसंबर 2012 को निर्भया कांड से राजधानी दिल्ली शर्मसार हुई थी और आज भी कहीं ना कहीं निर्भया के साथ जो हुआ 7 साल बाद भी लोगों के जहन में निर्भया के दरिंदों के खिलाफ गुस्सा और यही मांग की जा रही कि फांसी हो। तो 7 साल आज पूरा हो चुके हैं। चलती बस में मेडिकल छात्रा निर्भया के साथ दरिंदगी हुई थी, सामूहिक दुराचार हुआ था। तो निर्भया की मां की तरफ से कहा गया कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, मेरी जंग जारी रहेगी। दोषियों को जल्द फांसी की याचिका पर 18 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। पटियाला हाउस कोर्ट में 18 दिसंबर को सुनवाई होगी। पूरा देश आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहा है। तो निर्भया की मां ने साफ तौर पर ये कहा कि मेरी जो जंग है अपनी बेटी को न्याय दिलाने की वो जारी रहेगी, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। तो आपको बता दें कि अब 18 दिसंबर को पटियाला हाउस कोर्ट क्या फैसला सुनाती है, क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर ही ये तर्क देते हुए 18 दिसंबर तक की सुनवाई को टाल दिया गया था पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से। तो 17 और 18 ये काफी अहम है, क्योंकि इससे पहले ये माना जा रहा था कि आज के दिन कहीं ना कहीं इन दोषियों को फांसी की सजा दी जा सकती है। लेकिन जिस तरह से पूरा मामला बढ़ता जा रहा है, 7 साल कई पूरा समय यहां पर लग गया, लेकिन दोषी आज तक भी फांसी के फंदे पर झूल नहीं पाए, जिसके चलते देश में गुस्सा।